गांव के पास आप लोगों की जमीन है जहां पर किसान कौन का धरना प्रदर्शन भी चलता रहता है, वहां एक बैटरी कंपनी बनाई जा रही है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि भाई जो जेजेपी नेता हैं दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने कहता है, उनका कहना है मेवात के बच्चों को रोजगार, लेकिन यहाँ तो बाहर के बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है, जमीन हमारी यानी कि रोजगार के लिए बाहर के बच्चे लाए जा रहे, कैसा मानते हैं आप? बिलाल भाई आपने बहुत अच्छे सवाल किया है। अगर मैं सही मायने में अगर दुष्यंत के बारे में अगर हमारी मेवात अगर सोचे, कुछ भाई हमारे सीधे उनको पता नहीं है, हमारा जो मेवात का जो मेन जो एक मारुति कंपनी थी हमारी आईएमटी में, उसकी पूरी प्लानिंग हो गई थी, यहां लग रही थी, लेकिन अकेला दुष्यंत उसको यहां से खरकोदा ले गया। दुष्यंत का तो मैं मेवात वालों से अपील करना चाहता हूँ, इसको तो मेवात में बदने भी नहीं देना चाहिए, जो इन्होंने हमारे बच्चों के साथ जो भेदभाव किया है, सबसे बुरा हमारे साथ दुष्यंत चौटाला ने किया, क्योंकि डिप्टी सीएम थे, अकेला डिप्टी सीएम ने जबरदस्ती यहाँ से मारुति को, ये क्या क्या विकास कराया, क्या मेवात का भला सोचेगा? जो अपने पाइनर की जो जापान वाली जो कंपनी लगी, इसमें आज हजारों बच्चे लग रहे हैं, लेकिन मेवात का एक भी बच्चा नहीं है। और मैं आपके माध्यम से अपने मेवात वासियों से कहना चाहता हूँ, अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार आई तो इसमें मेवात के बच्चे लगेंगे, ना कि बाहर के कोई बच्चे लगेंगे। हाजी जी, मेवात में लाखों ड्राइवर हैं, उनके लिए मरोड़ा कट की बड़ी लंबी मांग है, सारे नेताओं से मांगी गई, जबकि दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़कली पर ये कहा था कि अगर हम इस बार आएंगे तो वोट तब मांगेंगे जब आपका ये आपको कट दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये सारे इनके झूठे वादे हैं, ये जुमले हैं इनके, इन्होंने दुष्यंत वगैरह ने इन्होंने अपना इन्होंने जो पैसे कमाए हैं, सारे जो सारे विभाग थे जो मराई वाले थे वो सब इन्हें अपने पास लिए थे। अब इनको पता है, अब अभी से आपने देखा कल परसों का जो सैनी जो मुख्यमंत्री का बयान देखा, भाई खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होगी, हमारे नेता ने तो विधानसभा में इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था जो इनके घोटाले थे, लेकिन क्यों भाई सरकार इनकी है, जो सबसे बड़ा इनके जो चोर होता है, पहले तो उसको जैसे हमारे उसे कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो इलेक्शन लड़ रहा अपने वो अपने बीजेपी का जो कैंडिडेट है मोदी साहब, उसको कहते नौकरे सबसे बड़ा कोयला चोर है, आज उसको भाई उस वॉशिंग मशीन धोखे ने वो कैंडिडेट बना दिया, तो जो बीजेपी में शामिल हो गया वो एक साफ सुथरा हो जाता है। आपने वॉशिंग मशीन का नाम लिया, तो क्या है ये वॉशिंग मशीन? ये बीजेपी के पास है वॉशिंग मशीन, जो बीजेपी से अलग होता है उसमें 100 नुक्स होते हैं, जब बीजेपी में जाता है तो ऐसी वॉशिंग मशीन के पास, हाँ साफ सुथरा क्लीन है बिल्कुल। तो इन्हें लोग उम्मीदवार भी अभी गुरुग्राम लोकसभा से नहीं आया, तो सर कब तक उतरेगा? देखो हमारे जो 10 के सर जो उम्मीदवार है वो बिल्कुल, हमने बल्कि 6 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दिए, 4 की रह रही है, उनमें भी हमारा ये था किसी तरीके से बीजेपी को हराओ, इस वजह से भाई कांग्रेस वाला अगर अपनी लिस्ट आउट कर दे हो सका, इन्हें इनकी जो चाल है जो हुड्डा जो बीजेपी काम कर रहा हो सका, ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं बीजेपी करते हैं। विधानसभा की जनता अगर हाजी सोराब को इस बार चुनती है, हाजी सोराब को विधानसभा में भेजती है, तो क्या आपके विकास के? बिलाल भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे मैं इनकी ना तो बुराई कर रहा ना इनकी भलाई करता हूँ, मैं तो मेवात वासियों को अपने नूह हल्का के लोगों से एक चीज का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे हल्के वाले मेरे ऊपर विश्वास करें, इंशाल्लाह मैं इनसे अलग करके दिखाऊंगा। अब कोई आदमी भाई 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, भाई पहले भी इलेक्शन हुए, अगर मैं अपनी बातों पर अगर पूरा नहीं उतरूंगा तो भैया मेरा कान पकड़ के अलग कर देना, फिर 5 साल बाद किसी और को चुन लेना, लेकिन इंशाल्लाह मैं मुझे उम्मीद है अब पब्लिक मेरा साथ दे रही है और पब्लिक को भरोसा भी है मेरे से, और क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूं, मैं बगैर राजनीति के मैं पब्लिक के बीच में आता जाता रहता हूँ और अपने भाइयों के हर दुख सुख में साथ रहता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो पब्लिक इनका नाम नहीं लेगी। आजी जी कहां से मन में आया आपने रमजान में इतना अच्छा कार्य किया, भाई शहीद क्यों ना आप यानी कि बड़ी इख्तियार पार्टी दे सकते थे,
अपने किसी बड़े नेता को आप बुला सकते थे, जो है पंडाल लगा सकते थे, इलाके की जनता को बुला सकते थे, लेकिन आपके मन में कहां से ये सोच आई कि क्यों ना मैं नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में ही रोजे इफ्तारी का प्रोग्राम। देखो बिलाल भाई सही बात है, देखो ये जो रमजान का जो महीना है बहुत बाबरकत महीना है, और मैं कहता हूँ आप भी मुसलमान हो, हमारे हदीस पाक में है कि रमजान के महीने में जितना करोगे उसका 70 गुना ज्यादा मिलेगा, और इसकी भी कोई तय नहीं है, अल्लाह ताला ने कितना दे देते हैं, बशर्त एक चीज है, करेगा वो जिसको अल्लाह हिदायत देगा। पैसे वाले बहुत पड़े हैं भाई, आफ्ताब जाकिर रियास ये लाइबर मम्मन खान और ये हबीब हमन नगर, पैसे कमी है क्या इनके पास भाई? इन्होंने तो विदेशों में पैसे जमा कर रखा है, लेकिन अल्लाह जब जिसको हिदायत देता वही तो कर सकता है इसका।